दोस्तों आजकल इंडिया में बहुत सारे भाइयों के साथ फ्रॉड हो रहा है, विदेश के नाम पे बहुत सारे भाइयों के साथ फ्रॉड हो रहा है। आए दिन खबरें सामने आती है कि आज यहाँ से ये एजेंट इन भाइयों के इतने रुपए लेके भाग गया, आज ये एजेंट इन भाइयों को इस कंपनी में फंसा दिया। रोज़ खबरें सामने आती है, बहुत सारे भाइयों के साथ फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे भाइयों को गलत कंपनी में फंसाया जा रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ऑफिस के बारे में बताऊँगा जिस ऑफिस से आप अगर विदेश के लिए अप्लाई करते हो, गल्फ देशों के लिए अप्लाई करते हो, यूरोपीय देशों के लिए अप्लाई करते हो, तो 100% आपका गारंटी के साथ काम होगा, आपके साथ बिल्कुल फ्रॉड नहीं होगा और आपका कम से कम सर्विस चार्ज लगेगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो ऑफिस है जिससे आप अगर अप्लाई करते हो तो आपका कम से कम सर्विस चार्ज लगता है और आपका जल्दी से जल्दी काम हो जाता है और आपको अच्छी कंपनी में भेजा जाता है। दोस्तों बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई हम विदेश जाना चाहते हैं, हम गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं, यूरोपीय कंट्री में जाना चाहते हैं, जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, हमें कोई अच्छा ऑफिस बताओ जहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से हमें अच्छी कंपनी का वीज़ा मिल जाए, जहाँ पर हमारा कम से कम खर्चा लगे और जहाँ से हमारा जल्दी से जल्दी काम हो जाए, हमें कोई ऐसा ऑफिस बताओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको डायनामिक ऑफिस के बारे में बताऊँगा। डायनामिक ऑफिस एक बहुत ही अच्छा ऑफिस है, बहुत ही पुराना ऑफिस है और डायनामिक ऑफिस का दिल्ली में भी ऑफिस है, मुंबई में भी ऑफिस है, कोच्ची में भी ऑफिस है, बड़ोदरा गुजरात में भी इनका ऑफिस है। जो भी ऑफिस आपके नज़दीक पड़ता हो वहाँ से आप इस ऑफिस से अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों डायनामिक ऑफिस के पास गल्फ कंट्री की वैकेंसी आती है, यूरोपीय कंट्री की वैकेंसी आती है, इनके पास कंस्ट्रक्शन लाइन की वैकेंसी आती है, पावर प्लांट लाइन की वैकेंसी आती है, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट पर वैकेंसी आती है, हॉस्पिटल लाइन की वैकेंसी आती है और भी बहुत अच्छी अच्छी कैटेगरी की इनके पास वैकेंसी आती है। आप जिस भी कैटेगरी में जाना चाहते हो, आप लेबर से लेकर इंजीनियर तक की कैटेगरी में आप डायनामिक ऑफिस से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डायनामिक ऑफिस से अप्लाई करते हो तो आपको अच्छी कंपनी में भेजा जाता है, अच्छी सैलरी पे भेजा जाता है और आपका कम से कम खर्चा लगता है। और दोस्तों डायनामिक ऑफिस जैसे दिल्ली ऑफिस है, मुंबई ऑफिस है, कोच्ची ऑफिस है, वडोदरा ऑफिस है, सब ऑफिस का आपको एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी ऑफिस आपके नज़दीक पड़ता हो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर आप ऑफिस में विजिट कीजिए और आप जिस भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं इनसे बातचीत कीजिए और जब भी आपकी कैटेगरी की वैकेंसी आती है आप इनके द्वारा अप्लाई कर सकते हो, आप इन पे 100% विश्वास कर सकते हो, बहुत ही अच्छे ऑफिस है। और दोस्तों आप दिल्ली डायनामिक ऑफिस में जा रहे हो तो आपको एक बात बता दूं, आपको कहीं पे रूम लेने की या आपको रेलवे स्टेशन, आपको बस स्टैंड पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। डायनामिक ऑफिस का खुद का अपना गेस्ट हाउस है, यह आपको रात को रुकने की व्यवस्था भी दे देती है, आपको रात को रुकने की व्यवस्था देती है, आप वहाँ पे आराम से रह सकते हो। और जब मान लो आपकी वैकेंसी कल है या परसों है तो आप यहाँ पे एक दिन दो दिन रुक सकते हो, इनका खुद का अपना गेस्ट हाउस है। दोस्तों आप दिल्ली के डायनामिक ऑफिस में जाना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो, आप दिल्ली के रहने वाले हो या आप बाहर से आ रहे हो, आप यूपी से आ रहे हो, बिहार से आ रहे हो, राजस्थान से आ रहे हो, तो आपको दिल्ली में आना है। दिल्ली में आपके जो भी नज़दीक में मेट्रो स्टेशन पड़ता है वहाँ से आपको द्वारका सेक्टर 8 का मेट्रो लेना है। जब आप द्वारका सेक्टर 8 मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाते हो तो आपको बाहर निकलना है, वहाँ से आप किसी भी ऑटो वाले को बोल सकते हो आपको डायनामिक ऑफिस जाना है, तो वहाँ से आप ऑटो लेना है, मदर डेयरी चौक से राइट लेना है। जब आप मदर डेयरी चौक पे पहुंच जाते हो तो आप वहाँ से किसी से भी पता कर सकते हो कि डायनामिक ऑफिस कहाँ पर है, वहाँ पर आपको कोई भी बता देगा, बहुत ही अच्छा ऑफिस है। एक बार यहाँ पे आप ज़रूर विजिट करें और आप विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इनके पास बहुत ही अच्छी कंपनी की वैकेंसी आती है और आप यहाँ पे आपका कम से कम खर्चा लगता है और आपका जल्दी से जल्दी काम हो जाता है और आप इन पे 100% विश्वास कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको डायनामिक ऑफिस के बारे में बताया, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।